आज जेठ मास का द्वितीय मंगलवार है। ऐसी मान्यता है कि जेठ के जितने मंगलवार पड़ते हैं उन्हें बड़े मंगल की मान्यता मिली हुई है, और बड़े मंगल के दिन जो ही व्यक्ति भक्त श्री बड़े हनुमान जी का अथवा कहीं किसी हनुमान जी दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज बड़े हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ इस संकल्प के साथ संपन्न हुआ कि हे भगवान, हे हनुमान जी, संकट मोचन, आप सदैव भारत का ही नहीं पूरे विश्व का संकट हरण किया है आपने। तो कोरोना की जो तीसरी लहर है, जो हमारे भारत के भविष्य बच्चों के ऊपर असर कम हो, युवाओं पर कम पड़े, सभी व्यक्तियों पर कम पड़े, हमारी माताओं बहनों पे, तो तीसरी लहर का प्रकोप कम हो या बिल्कुल न हो, उसके लिए हम इस संकल्प करके सामूहिक सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तों का आगमन भी हुआ और सभी ने अंतिम में कोरोना काल के समय हमारे ईश्वर स्वरूप हैं डॉक्टर बंधु, माननीय वकीलगण या किसी विभाग के प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, किसी विभाग के स्वास्थ्य विभाग, जो लोग भी अपना परिवार खोए हैं उनके प्रति हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की और भगवान ईश्वर से प्रार्थना की कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। आज हम सब लोग उनके लिए दुखी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपना जीवन समाप्त किया। तो इस संकल्प के साथ कि तीसरी लहर का प्रकोप भारत में नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, तो भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना काल से मुक्त हो, और यह केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं, जो कलयुग में वही भगवान हैं, और ऐसा हम लोगों का विश्वास है।